महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत 79वें अध्याय में कर्ण और अर्जुन के भयंकर युद्ध का वर्णन हुआ है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यह है कि 16वें दिन का युद्ध आरंभ होता है और अर्जुन अपने 4 श्वेत अश्वों वाले रथ पर सवार होकर कौरव सेना का संहार करते हुए इस प्रकार आगे बढ़ता चला जाता है जैसे कि अग्नि संपूर्ण वन को जलाती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भीम और दुशासन का आमना सामना होता है। भीम और दुशासन के बीच भीषण गदा युद्ध होता है और भीम के एक जोरदार प्रहार के कारण दुशासन की गदा उसके हाथ से गिर जाती है। तभी भीम भी अपनी गदा फेंककर दुशासन से मल्ल युद्ध करता है और अपनी शक्तिशाली भुजाओं से दुशासन की एक बाँह उखाड़कर दुर्योधन की तरफ फेंक देता है और उसकी छाती चीरकर उसका लहू पीता है और अपनी अंजलि में उसका रक्त भरकर द्रौपदी के शिविर की तरफ दौड़ जाता है। यह दृश्य देखकर दुर्योधन बेहद दुखी होता है और बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और वो अपने परम मित्र और कौरव सेना के सेनापति कर्ण से कहता है कि आज उसे किसी भी कीमत पर इन पांडवों के शव चाहिए। तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अंतिम बार दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करता है। वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि हे दुर्योधन, अब भी समय है, पांडवों के साथ संधि कर लो, आपस का झगड़ा त्याग दो। मेरे पिता और तुम्हारे गुरु तो साक्षात ब्रह्मा जी की तरह अस्त्र विद्या में श्रेष्ठतम पंडित थे, वे भी इस युद्ध में मारे गए। तुम्हारे पितामह भीष्म की भी यही दशा हुई। मेरे मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं। तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करोगे। श्री कृष्ण भी तुम दोनों में विरोध नहीं चाहते, वे अब भी शांति के पक्षधर हैं। बस तुम्हारी ही इच्छा से शेष बचे सगे संबंधी अपने अपने नगर लौट जाएंगे। हे नरेश्वर, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो निश्चित ही तुम्हें भी वीरगति प्राप्त होगी। हे कुरुनंदन, जीवित रहने वाला ही सुख और कल्याण के दर्शन कर सकता है। तुम पांडवों से संधि कर लो और कौरव कुल को शेष रहने दो। मैं कभी तुम्हारे अहित की बात नहीं करता। यह मेरी निश्चित धारणा है कि कर्ण अर्जुन को कदापि नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अश्वत्थामा की यह बात सुनकर दुर्योधन क्रोधित होता है। वह अश्वत्थामा से कहता है कि हे अश्वत्थामा, क्या तुमने इन पांडवों को उनके उस कायरतापूर्ण कार्य के लिए क्षमा कर दिया है जब इन्होंने तुम्हारे निहत्थे पिता को मार डाला था? इस पर अश्वत्थामा कहता है कि हे प्रिय मित्र दुर्योधन, इस कायरता के लिए तो मैं इन पांडवों को कभी क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है। इस समय मैं पांडवों से संधि की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पांडवों से संधि राष्ट्रहित में है। ये बात सुनकर दुर्योधन कहता है कि हे गुरुपुत्र अश्वत्थामा, वो सोने चांदी का मुकुट राष्ट्र नहीं है, वो काठ का सिंहासन भी राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र स्वयं मैं हूँ, मैं। और तुम अभी मेरे मित्र कर्ण को नहीं जानते, वो थोड़ी देर में ही अर्जुन का वध कर देगा और फिर किसी से संधि करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कर्ण के पुत्र वृषसेन की टक्कर होती है अर्जुन से। युद्ध में वृषसेन नकुल के पुत्र शतानिक को 3 बाण मारकर बुरी तरह घायल कर देता है। फिर ये शक्तिशाली रथी योद्धा 3 बाण अर्जुन पर, 3 बाण भीमसेन पर, 7 बाण नकुल पर और 12 बाण श्री कृष्ण पर चलाता है और उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। इसका यह पराक्रम देखकर कौरव सेना उसकी जय जयकार करने लगती है। उस समय वृषसेन कर्ण के सामने खड़ा था। तब अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा को एक साथ देखकर बोल उठता है, कर्ण, आज मैं तुम्हारे देखते देखते इस वीर और उग्र पराक्रमी वृषसेन को यमलोक पहुंचा दूंगा। तब अर्जुन उनको उनके कायरतापूर्ण कृत्य अभिमन्यु वध की याद दिलाता है और क्षण भर में अर्जुन अपने गांडी से 10 बाण वृषसेन पर छोड़ देता है और पल भर में ही वृषसेन का धनुष, उसकी दोनों भुजाएं और उसका मस्तक शरीर से अलग होकर रथ से नीचे गिर पड़ते हैं। अपने पुत्र की इस प्रकार मृत्यु देखकर कर्ण को संताप और क्रोध दोनों एक साथ आ जाते हैं और वो अर्जुन और श्री कृष्ण पर आक्रमण कर देता है। कर्ण का रथ एक महासागर की तरह गर्जना करते हुए आगे बढ़ता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं, जिसके रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं, जिसके हाथ में भगवान परशुराम का विजय धनुष है, जो दुर्योधन का परम मित्र है, वो सीधे इधर ही आ रहा है। उसका ध्वज देखो, आकाश में एक सीधी रेखा से खींचता चला आ रहा है। आज तुम्हें संपूर्ण प्रयत्न करके उसका वध करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी सेना में कोई दूसरा योद्धा नहीं है जो कर्ण के बाणों को सह सके। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके बल और क्षमता का आभास कराते हैं। तब अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, मेरी विजय अवश्य होगी, क्योंकि इस जगत के संपूर्ण ज्ञाता आप जो मुझ पर प्रसन्न हैं। अब अर्जुन इस युद्ध सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना नहीं लौटेगा। इतना सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण के मन द्वारा संचालित उनका रथ पलभर में ही कर्ण के रथ के सामने जा खड़ा हुआ। दोनों दिव्य पुरुष, दोनों के पास उत्तम सारथी, दोनों के श्वेत अश्व, ये दोनों रथ आमने सामने आए तो वहाँ उपस्थित योद्धाओं को ऐसा लगा मानो दो सूर्य उदित हो गए हों। कर्ण के रथ पर जो ध्वज था उस पर हाथी के सांकल का चिन्ह और अर्जुन के रथ पर स्वयं महाबली हनुमान जी ध्वज के रूप में विराजमान थे। कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए सभी कौरव सैनिक बाजे और शंख बजाने लगे। वहीं पांडव पक्ष के योद्धा भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाने के लिए अनेक वाद्यों और शंख की ध्वनि से चारों ओर प्रतिध्वनि उत्पन्न कर लगे। दोनों महावीर श्रेष्ठ रथों पर आरूढ़ थे, दोनों के पास विशाल धनुष थे,
दोनों अद्भुत बाणों, शक्ति और ध्वज से संपन्न थे। दोनों ही उत्तम तरकश से संपन्न वीर थे। दोनों कमर पर तलवार बांधे थे। दोनों ही युद्ध की तरह मदमस्त हाथी की तरह थे। दोनों के मुख सूर्य के प्रकाश की तरह कांतिमान थे। दोनों के पास उस समय के सर्वोत्तम सारथी थे। कंधे सिंह के समान, भुजाएं काल के समान, आंखें रक्त की तरह लाल, और दोनों ही एक दूसरे का वध कर देना चाहते थे। दोनों इतने आयुधों से संपन्न थे कि वहां पर प्राणियों को किसी एक की विजय पर संदेह होने लगा था। दोनों ही ओर की सेनाएं कर्ण और अर्जुन की रक्षा के लिए उन्हें घेर कर आगे बढ़ने लगी, और इस तरह इस युद्ध की शुरुआत हुई। उस समय ऐसा लगा कि जैसे संपूर्ण प्रकृति दो भागों में विभक्त होकर अर्जुन और कर्ण दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने लगी है। महाभारत में उल्लेख है कि उस क्षण इंद्र और सूर्यदेव अपने अपने पुत्रों की विजय के लिए वाद विवाद में उलझ गए थे। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन और दूसरी ओर शल्य और कर्ण ने अपने अपने शंख बजाए। तभी दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण एक साथ ही श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। अर्जुन ने इन सभी योद्धाओं के धनुष, ध्वज, अश्व और सारथियों पर एक साथ ही प्रहार किया और कर्ण पर एक साथ 12 बाण छोड़े। ये देखकर शक, तुषार और यवन देश के योद्धा एक साथ अर्जुन को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन ने इन पर अनेकों अनेक बाण छोड़े, जिससे इनके सर कट कट कर युद्धभूमि में गिरने लगे। मृत्यु का ऐसा तांडव देखकर दौड़ लगाते योद्धा सन्न खड़े हुए। उधर कर्ण और अर्जुन एक दूसरे की ओर बढ़ते जा रहे थे। विशाल पर्वतों के समान वो एक दूसरे पर अपने महान अस्त्रों से प्रहार करने लगे। बाणों के प्रहार से उनके शरीर, सारथी और अश्व क्षत विक्षत होने लगे। उनके भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आकाश बार बार गर्जना करने लगा। एक तरफ कौरव सेना और दूसरी ओर सुमक सैनिक, जो पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। उस दिन अर्जुन की सुरक्षा का दायित्व उनका ही था। वो घोर कोलाहल कर रहे थे। युद्ध में रक्त और मांस की कीच से जम गई थी। सुमक सैनिक बार बार चिल्ला रहे थे, हे कुंती कुमार, कर्ण का शीघ्र वध कर डालो। कर्ण का मस्तक और दुर्योधन के राज्य के प्रति अभिलाषा, दोनों को एक साथ काट डालो। वहीं दूसरी ओर कौरव योद्धा चिल्ला रहे थे, कर्ण आगे बढ़ो और अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे शेष बचे कुंती पुत्र स्वतः दीर्घकाल के लिए वन में चले जाए। कर्ण ने एक साथ कई बाणों से अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण के हाथों और कांख पर प्रहार किया। दोनों अपने सर्वोत्तम बाणों का प्रयोग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आज के बाद वो कोई युद्ध करेंगे ही नहीं। फिर अर्जुन ने अपने गांडीव से नाराज, नालिक, शुर, वराहकर्ण और अंजलिक जैसे शक्तिशाली बाणों से कर्ण पर प्रहार किया, लेकिन कर्ण अपने महाशक्तिशाली बाणों से अर्जुन के हर प्रहार को काटता जा रहा था। तब अर्जुन एक अतिवेगशाली बाण से कर्ण के रथ पर प्रहार करता है, जो कर्ण के रथ को लगभग रणभूमि के बाहर धकेल देता है। तब कर्ण संभल कर अपने विजय धनुष पर एक शक्तिशाली बाण का संधान करता है और अर्जुन के रथ पर प्रहार करता है, जिससे अर्जुन का रथ 2 ब्लांक पीछे खिसक जाता है। कर्ण के इस पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इस पर अर्जुन क्रोधित हो उठता है। वो कहता है कि हे माधव, मैंने तो अपने प्रहार से कर्ण के रथ को लगभग रणभूमि से बाहर ही धकेल दिया था, और कर्ण के प्रहार से मेरा रथ केवल 2 ब्लांक पीछे खिसका, तो आप उसकी प्रशंसा करने लगे। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे पार्थ, कर्ण अपने रथ पर अपने सारथी के साथ अकेला है, और तुम्हारे रथ पर ध्वज के रूप में महाबली हनुमान जी विराजमान है, और इस सारे संसार का भार लेकर सारथी के रूप में स्वयं मैं बैठा हूं, जिस रथ को संसार का कोई बड़े से बड़ा महारथी रत्ती भर भी नहीं ला सकता। अगर उस रथ को कर्ण अपने प्रहार से 2 ब्लांक पीछे खिसका देता है, तो मैं उसकी प्रशंसा ना करूं तो फिर किसकी करूं। तब कर्ण अपने विजय धनुष पर अपने वर्षों के परिश्रम से बनाए एक सर्पमुख बाण का संधान करता है, जिस पर पाताल निवासी नागराज अश्वसेन योग विद्या से लघु रूप धारण करके लिपट जाता है, जिसके बारे में कर्ण को आभास नहीं होता, और कर्ण ये बाण अर्जुन की ओर छोड़ देता है। खांडव वन में अश्वसेन की माता की मृत्यु अर्जुन के हाथों हो जाती है, जिसके कारण अश्वसेन अर्जुन से बदला लेने के लिए कर्ण के तरकश में छुपकर बैठ जाता है और उसके बाण पर लिपट जाता है। तब उस सर्पमुख बाण पर लिपटे अश्वसेन को अर्जुन की ओर आता देखकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को एक ब्लांक धरती में नीचे धसा देते हैं, जिससे कर्ण का वो बाण अर्जुन के मुकुट से आकर टकराता है और अर्जुन का मुकुट जमीन पर नीचे गिर जाता है, और कर्ण के बाण पर लिपटा अश्वसेन अर्जुन के मुकुट को बार बार डसने लगता है। लेकिन जब उसको आभास होता है कि मुकुट के अंदर अर्जुन का मस्तक नहीं है, तो वो वापस दौड़कर कर्ण के पास जाता है और कर्ण से कहता है कि कर्ण, तुमने ठीक से संधान नहीं किया, मुझे दोबारा अपने बाण पर चढ़ाकर एक बार अर्जुन तक पहुंचा दो और मैं अर्जुन का वध कर डालूंगा। तब कर्ण बड़े आश्चर्य से उससे पूछता है कि तुम हो कौन। कर्ण और अश्वसेन के संवाद पर महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, उसमें से फुकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहा कर्ण, मैं अश्वसेन विषध भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का परम शत्रु, तेरा प्रतिबल हितगामी हूँ।
कर कृपा चढ़ श्रव्य पर मुझे पार्थ तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी यहीं स्पंदन में मुझे सुलाने दे। करवामन गरल जीवन भर का, करवामन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तुम मुझे सहारा दे पढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, तब कर्ण उसका जवाब देता है। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, इस पे भी सर्पों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली आचरण उसके विरुद्ध करूं। संसार कहेगा सब सुकृत करने क्षार किया, प्रतिभात के वध के लिए नीच ने सर्पों का सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, बसते वनों में ही नहीं, बसते कुल ग्राम और घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन कर देते हैं, प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। अब अगली पंक्तियाँ जो लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उनके लिए विशेषकर सुनने योग्य हैं। कर्ण आगे कहता है कि अर्जुन है मेरा परम शत्रु पर वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। जा भाग मनुज का सह शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सर नहीं लगा सकता। यह सुनकर अश्वसेन बहुत क्रोधित होता है और वो अपने आप ही अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की तरफ दौड़ पड़ता है। तो इस तरह से एक विषैले सर्प को अपनी ओर आता देख अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वो श्री कृष्ण से पूछता है कि हे माधव, ये कौन है जो मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा है? तो श्री कृष्ण अर्जुन को अश्वसेन के बारे में सब कुछ बताते हैं और अर्जुन अपने घातक बाणों से अश्वसेन पर प्रहार करता है और अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब कर्ण अर्जुन पर एक साथ 5 बाणों से प्रहार करता है। पहला बाण अर्जुन की काख में जाकर लगता है और उसको बुरी तरह घायल कर देता है और अगले 4 बाण अर्जुन को उसके गांडीव सहित बींध डालते हैं। तब कर्ण अपने विजय धनुष पर 6ठे बाण का संधान करता है और अर्जुन के मस्तक की ओर निशाना साधता है, लेकिन अस्त होते सूर्य को देखकर अपना हाथ रोक लेता है और मन ही मन अपने अनुज को आशीर्वाद देकर जीवन दान दे देता है और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे कुंती कुमार, तुम एक वीर महान योद्धा हो, लेकिन आज तुम्हें स्वयं सूर्य नारायण ने अस्त होकर मुझसे बचा लिया, लेकिन कल मैं तुमसे फिर दोबारा युद्ध करूंगा और तब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस तरह से 16वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है और सब अपने अपने शिविर में लौट जाते हैं। अर्जुन अपने शिविर में एक कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा होता है और तब उसे पहली बार आभास होता है कि जिस कर्ण को उसने कभी अपने बराबर नहीं समझा वो एक असाधारण योद्धा है। तब श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और अर्जुन की यह अवस्था देखकर अर्जुन से उसकी समस्या पूछते हैं। तब अर्जुन कहता है कि मैं अंगराज कर्ण के उपकार की छाया में जीवित नहीं रह सकता केशव। तो श्री कृष्ण पूछते हैं कैसा उपकार? तो अर्जुन कहता है कि वो मेरा वध कर सकता था लेकिन उसने मेरा वध नहीं किया। जिसका सारा जीवन इस युद्ध की प्रतीक्षा में बीत गया हो, उसने अपने विजय के अंतिम क्षणों में अपना वाण रख दिया, ये उपकार नहीं तो क्या है केशव? तब श्री कृष्ण अर्जुन का मनोबल डगमगाता देख कहते हैं कि तुम जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को ये कहना शोभा नहीं देता पार्थ। युद्ध की उत्तेजना में तुम ये देख ही नहीं पाए कि कर्ण का वो वाण सूर्यास्त से पहले अपने लक्ष्य अर्थात तुम्हारी छाती तक पहुँच ही नहीं सकता था। उसने ये वाण रोककर एक संदेश भेजा था कि अब तक इस युद्ध में जो कुछ हुआ उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है, किंतु अब वो प्रधान सेनापति है और जब तक वो प्रधान सेनापति रहेगा तब तक उसकी सेना उन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी जो नियम गंगापुत्र भीष्म ने बनाए थे। तो अर्जुन कहता है कि ये संदेश भेजकर क्या वो ये कहना चाहता है कि हम कायर हैं? तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें तो कोई नेत्रहीन भी कायर नहीं कह सकता। इन हीन विचारों की दलदल से निकलो पार्थ और इधर उधर देखना भी बंद करो। क्या तुम वही कुंती पुत्र अर्जुन हो जिसने गुरुकुल में आचार्य द्रोण के प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि तुम्हें तो उस पंछी की एक आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारी उन आंखों को क्या हो गया है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अपने आप को व्यर्थ प्रश्नों के मरुथल में ना भटकने दो पार्थ, अपनी आंखों को अपने लक्ष्य पर जमाए रखो और ये समझ लो कि तुम्हारे लक्ष्य के अतिरिक्त इस पृथ्वी और आकाश के बीच और कुछ है ही नहीं। और जब कल अंगराज कर्ण से तुम्हारा सामना हो पार्थ, तो आज की ओर अपना ध्यान ना जाने देना मित्र, क्योंकि आज तो बीत चुका है और अंगराज कर्ण तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है।